वो इस वजह से रेडी हैं क्योंकि इनकी मरवा अब्दुलरहमान की एक छोटी सी फैन है जिसकी आज बर्थडे है और हमने आज उसको देना है सरप्राइज। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफ्तारी अपनी हल्की फुल्की रेडी कर ली है जल्दी से टाइम पे आके। Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. I hope आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मजे में और हमारे व्लॉग्स को enjoy भी कर रहे हैं। Assalamualaikum मरवा, Assalamualaikum अब्दुलरहमान, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ये इनका हाल जो है ना थोड़ा सा ठीक नहीं है। आई नो अभी आप लोगों को पता लग रहा होगा कि हमारी वीडियोस और व्लॉग्स जो हैं बहुत ज़्यादा आजकल रेगुलर नहीं लग रहे हैं, तो उसका रीज़न जो है आपको पता, रमज़ान है और दूसरा लुकमान की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। किसी एक अफ्तारी में इन्होंने गलती से दूध सोडा पी लिया था और हमें लगता है कि वो दूध सोडा जो है ना लड़ गया। सो वी आर लाइक ब्लेमिंग दूध सोडा राइट नाउ। और ये बात सही है कि उस दिन के बाद से इनको इतना ज़्यादा फ्लू, बुखार, गला ख़राब और वो ठीक ही नहीं हो रहा है इतनी मेडिसिन लेने के बाद भी। लेकिन चलें, आप सब जो देख रहे हैं इस वक्त लुकमान को, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे। अभी इस वक्त हम इनको बाहर लेकर आए हैं कि थोड़ी सी फ्रेश एयर जो है आप लें, हवा खाएँ, और हवा चेंज होती है आपको पता है, तो वैसे ही इंसान जो बीमार होता है ना वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। तो अभी इस वक्त हम लोग लुकमान को लेकर आए हैं बाहर थोड़ा सा इनको फ्रेश करवाने के लिए। और मरवा और अब्दुलरहमान यहाँ पे देखेंगे अंधेरे में जो है ना दीवारों पे चढ़ रहे हैं। बच्चों यहाँ पे हमें हॉरर स्टोरी बनानी चाहिए, ये बड़ा वो हॉरर टाइप का यहाँ पे सीन हो रहा है ना, हो सकता है लेकिन मच्छर भी है। और आप इधर कहीं हमने हॉरर स्टोरी बना दी ना तो आप में से देखने वालों की चीखें निकल जानी है। और आपको पता है कि हम लोग हॉरर स्टोरीज नहीं बनाते हैं, उसका रीज़न यही है कि हमारी जो ऑडियंस है ना उसमें जो है ना छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और हम उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो करते हैं कि नहीं यार छोटे बच्चे हैं, उनको डराने का, डरा के क्या करना है यार आप लोगों ने, तो डरने डराने वाली चीज़ों से ना हम लोग बहुत दूर रहते हैं। आपके लिए अच्छा कॉन्टेंट लेकर आते हैं। हाँ, हमारे व्लॉग देख के अगर आपको वैसे ही डर लगता है तो एक अलग बात है। तो ये ऐसी चीज़ें जो है ना हम लोग उससे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो है हॉरर डालना हो तो वैसे ये जगह जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, तो हम ये सजेशन ज़रूर दे सकते हैं उन लोगों को जो लोग हॉरर स्टोरीज बनाना चाहते हैं। तो अभी इन लोगों को हम लोग यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जाके कुछ खा के आए। हाँ, इनको बनाना पड़ेगा पहले। ओ बच्चों इतना ऊपर नहीं जाओ, नीचे आना मुश्किल लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जाओ, दिस विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। आपको पता है आपके मसल्स जो है ना इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। चलो चलो जाओ ऊपर। आई थिंक बच्चों हम लोग अब चलते हैं जाके कुछ खाते हैं, काफ़ी देर से यहाँ पे हैं हम लोग। आई थिंक बच्चों अब हम लोगों को बाहर जाना चाहिए, यहाँ से बाहर जाना चाहिए। और मामा और बाबा का एक चीज़ खाने को दिल कर, अब वहाँ चलते हैं कुछ खा के आते हैं इससे पहले कि बाबा जो है ना ज़्यादा टायर्ड हो जाएं, फिर बाबा को हम घर जाके मेडिसिन देंगे। बाकी रेस्टोरेंट बंद नहीं होगा, सहरी तक ओपन रहेगा, लेकिन हम लोग चलते हैं अभी जाके कुछ खाते हैं क्योंकि आज अफ्तारी में भी कुछ ज़्यादा नहीं खाया था और फिर दिल कर रहा था बाहर आ जाएं। चलो लेट्स गो। थक गई है इतनी जल्दी? हाँ इट्स ओके। क्या हुआ है? स्कूटी फंस गई थी इसके अंदर तो उसको निकालते हुए डर लग रहा था। चलें जी, अब हम लोग चलते हैं और जाके खाते हैं कुछ खाना पीना और आपसे मिलते हैं आगे पहुंच के। अब्दुलरहमान को भी भूख लग रही है, भूख मिटाने ही जा रहे हैं आप लोगों के बच्चों। लेफ्ट ट्रैक जाना है और। चलें जी, हम आ चुके हैं यहाँ क्रश बर्गर, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। बहुत दिल कर रहा था खाने को, आपको पता रमजान में ऐसी क्रेविंग्स लाजिम होती है, तो हमने सोचा की अब आके खा लेते हैं यहाँ पे अपना फेवरेट बीफ बर्गर। ऑर्डर करके अब आप कह रहे हैं वो वैसे ही छोटे छोटे बर्गर हैं, बीफ बर्गर्स। और यहाँ अब्दुलरहमान और मरवा, आर यू स्लीपी? लग रहा है कि मरवा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन चलो बस यहाँ से खाएंगे थोड़ा सा टाइम बैठ के, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। और घर जाके फिर अलग सहरी भी करनी होती है ना, तो फिर इतना सारा कुछ नहीं खा सकते ना हम एक दिन में। ये देखें जी, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मील्स आ चुके हैं। ये बीफ बर्गर है मेरा और लुकमान का, और ये बच्चों का मील है। चलें अब इसको निकालते हैं। ये है अब्दुलरहमान का, मरवा का, ये मरवा का। ये देखें जी, ये है हमारे बीफ बर्गर, छोटे छोटे बर्गर हैं क्योंकि अभी यही खाएंगे हम लोग। ओके, और इसके अंदर और बाकी ये सारे जो हैं वाइप्स हैं, सॉस है इनकी, केचप है इफ़ एनीवन वांट्स। चलें जी निकालें इसको और खाएं। अब हम ये खाते हैं और फिर खाते खाते आपको मिलते हैं। चलें पहले इनकी बाइट तो रिकॉर्ड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल है, बहुत ही ज़्यादा। कैसा लगा आपको? अच्छा, लेकिन चिकन और निकलो नहीं है। इट्स चिकन बाइट्स, लाइक
एंड मरवा, आपको कैसा लगा? नाइस, चलो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सब कुछ खा लिया और वही मरवा के ऊपर उड़ के आ रहा है। कैसा लगा आपको, मजा आया? बर्गर तो बहुत कमाल था, बर्गर जबरदस्त था। और ये अब्दुलरहमान का जो हम बचा हुआ खा रहे हैं, अब्दुलरहमान के फ्राइज मैं खा रही हूँ थोड़े से और एक चिकन बाइट लुकमान खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया, सीरियसली पेट भर गया। अब सहरी जो है ना हल्की फुल्की होगी, लेकिन ये कि सुकून आ गया, सच सच में मज़ा आ गया। चलो जी, हम लोगों ने अपने रोल स्विच कर लिए, अब लुकमान हमें घर लेके जाएंगे। यहाँ तक मैं लाई थी यार, आप सीट एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से कर लें। चलो जी, अब हम लोग चल रहे हैं घर, क्योंकि थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा, जरूरत है घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। पीछे बहुत सारी ट्रैफिक है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब हम निकलेंगे तो किसी को जगह देंगे ना पार्किंग की। ये देखें जी, कितनी प्यारी मस्जिद है। इसके ऊपर LED से जो है ना वो एक रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट्स का, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी ये मस्जिद है। और ये लाइक कुरानिक पार्क है, यहाँ पे उसके बिल्कुल साथ है, सामने है उसके, बहुत प्यारी थी। अभी हमने आते हुए देखी थी तो हमने सोचा कि वापस जाते हुए, हमारा रूट तो ये नहीं था, लेकिन हम लोग वापस इस तरफ आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस मस्जिद के लिए। लेकिन ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, और अब यहाँ पर देख के दिल कर रहा है कि किसी दिन यहाँ पर आना चाहिए नमाज या तरावी वगैरह पढ़ने के लिए। तो ओए बच्चों, बाहर आ गए हो सारे। चलो जी, अब बस हम घर चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Day 2. Welcome back everyone. It's another day. I hope आप सब बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग आए हैं बाहर शूट करने। रमज़ान का महीना है, ऑफ कोर्स आपको पता है, और रमज़ान के महीने में ना ये शूट वगैरह करना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि आई थिंक हर चीज़ जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है ना रमज़ान के महीने में स्पेशली, वो सिर्फ होता है कि हम रोज़े रख लें, अपनी इबादतों को टाइम पे कर लें। वैसे ये वाला फोकस हमारा आम दिनों में भी होना चाहिए कि अगर चलो हम रोज़े नहीं रख रहे तो अपनी नमाज़ें सारी टाइम पर पढ़ लें। और कोशिश भी करते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, और इसी तरह बस कोशिश करते रहना चाहिए। परफेक्शन जो है वो तो आपको पता है बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कोशिश करने वाले लोग जो होते हैं ना वही बेस्ट होते हैं। चले एनीवेज, इस वक्त हम लोग आए हैं यहाँ पर शूट करने के लिए। असर की नमाज़ हो चुकी है, अब हम लोगों ने बस अफ्तारी के टाइम से पहले पहले यहाँ पे शूट जो है वो क्लियर करके घर पहुँचना है, अफ्तारी करनी है। और मुझे नहीं लगता कि आज हमारी अफ्तारी जो है वो घर पहुँच के टाइम पे होगी, क्योंकि शूट यहाँ पे अभी पेंडिंग है और अफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा टाइम है। और हम लोग घर से इस वक्त जो है ना काफ़ी दूर है, यहाँ पर हम कुछ काम करने के लिए आए थे, फिर हमें एक पार्क नज़र आया, तो यहाँ पर अक्सर हम लोग शूट करने आ जाते होते हैं। हेलो मरवा, कैसी हो आप, ठीक हो? मरवा क्या कर रही हो? अभी हम लोग ब्रेक लिया है क्योंकि अब्दुलरहमान जो है वो एक ब्रेक पे गया है, अब्दुलरहमान आगे गया है लुकमान के साथ, तो हम लोगों ने कहा चलो हम मरवा जो है यहाँ पे थोड़े से झूले ले लेती है, और मरवा यहाँ पे स्लाइड लेगी और इसी स्लाइड में हमारा सीन भी शूट होने वाला है। ये दोनों आ गए हैं वापस, लाई डाउन। अब्दुलरहमान वॉशरूम गया था तो वॉशरूम इसको पसंद नहीं आया लगता, तो कहता नहीं वापस, चलो अबड़ी आ रही है। ये छोटे छोटे फैन है मरवा और अब्दुलरहमान के, इनके इनके साइज से भी छोटे फैंस हैं वैसे माशाल्लाह मरवा अब्दुलरहमान के, है ना, 3 साल 4। थैंक यू मरवा, मरवा ने माइक दे दिया क्योंकि इनके सीन हो चुके हैं। 1 साल 1.5 साल के बड़े छोटे छोटे साइज में फैन है माशाल्लाह। हमारा सीन हो चुका है यहाँ पे शूट, अब बस एक आखिरी लास्ट सीन रह गया, और अफ्तारी का टाइम जो है वो बहुत क्लोज होता जा रहा है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं और अपना सीन लास्ट वाला कम्प्लीट करते हैं यहाँ से बाहर निकल के, चलते हैं और रोज़ा अफ्तार करने का प्लान सोचते हैं कोई, क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा रह चुका है। जल्दी आ जाओ बच्चों, जल्दी से बैठ जाओ सारे गाड़ी में। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफ्तारी अपनी हल्की फुल्की रेडी कर ली है जल्दी से टाइम पे आके, बस हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो रहा है। चले जी, अफ्तारी वगैरह हो गई है हमारी, अब आप लोग हम देख सकते हैं कि हम सारे यहाँ पे फुल रेडी हैं, लुकमान रेडी हैं, ओ मरवा और अब्दुलरहमान। अच्छा जी, हम सब रेडी हैं, वो इस वजह से रेडी हैं क्योंकि इनकी मरवा अब्दुलरहमान की एक छोटी सी फ़ैन है जिसकी आज बर्थडे है, और हमने आज उसको देना है सरप्राइज़। चले जी, हम लोग जो है ना बिल्कुल रेडी हैं क्योंकि मरवा और अब्दुलरहमान की एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी फ़ैन है जिसकी है आज बर्थडे,
और आज हम लोगों ने बर्थडे पे देना है उसको सरप्राइज। उसको नहीं पता कि उसकी बर्थडे पे मरवा और अब्दुल रहमान आने वाली है और पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी, हमें इसका भी नहीं पता है। लेकिन चले चलते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे उसके लिए गिफ्ट पिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सीधा उसकी बर्थडे पे उसको विश करने जाएंगे। आगे जाते हैं, बच्चे उधर से आएंगे, ये उस तरफ से आएंगे। बाय। अभी आपको दिखाती हूँ ये कहाँ से आ रहे हैं। माशाल्लाह, लुक एट दिस। चले जी, हम आ चुके हैं, अब यहाँ पे आके देखते हैं कि हमें क्या गिफ्ट अच्छा लगता है। चले, हम आ गए हैं टॉय सेक्शन में। नहीं मरवा, ये नहीं, 4 ईयर्स ओल्ड बेबी गर्ल है, तो हमने उससे सूटेबल यहाँ पे कुछ पसंद करते हैं टॉय। अगर हमें ये टॉय सेक्शन में कुछ पसंद आता है तो 4 ईयर्स ओल्ड लाइक जैसे ये बेबी डॉल ऐसा कुछ देखते हैं, है ना मरवा। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, वो जो आप कह रहे हो ना छोटा बेबी है। गिफ्ट पैकिंग हो रही है यहाँ पे। मरवा, गिफ्ट पेपर आपके फ्रॉक से मैच हो रहा है। गिफ्ट पैकिंग ऑलमोस्ट डन। जी, गिफ्ट हम लोगों ने पिक कर लिए हैं, लेकिन बात यह है कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, इसलिए अब हम लोगों को जल्दी जल्दी भागना चाहिए, क्योंकि बर्थडे का यार टाइम दिया होता है तो टाइम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम लोग जो है ना 5 मिनट्स ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, जो टाइम हमने बताया था उस टाइम से, तो अब हमें जितनी जल्दी हो सके जाना पड़ेगा। वो शौक में अभी तक। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत मजा। चलें जी, हम लोग जो है ना बर्थडे सरप्राइज से जो है फ्री हो गए हैं। आप लोगों के साथ मैंने जो है ना बर्थडे वीडियो थोड़ी सी शेयर की है, वो भी फैमिली की परमिशन के साथ, और उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हर फैमिली की एक प्राइवेसी होती है। लेकिन बर्थडे वीडियो जो है वो थोड़ी सी आपको शो कर रही हूँ विद द फैमिलीज़ परमिशन, और यकीन करें कि ऑनेस्टली मुझे हम सबको बड़ा मज़ा आया। इट वॉज़ अ वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल, अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो। एंड सीरियसली, ज़ारा जिसकी बर्थडे थी, शी वॉज, मेरा ख्याल है कि क्यूट जो है ना वो एक बहुत ही छोटा वर्ड है ज़ारा के लिए यूज़ करने का, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ से माशाल्लाह जब भी आप ये वीडियो देखें और जब भी आप कोई भी हैप्पी मोमेंट्स देखा करें, प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो है ऐसे मोमेंट्स में और बरकत लेकर आए और आप सबको ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट्स देखने को मिले। चलो जी, अब हम घर जा रहे हैं, घर के हम बिल्कुल पास हैं, लेकिन गाड़ी ऑफ कोर्स हम लेकर आए थे। चलो जी, व्लॉग को भी हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको हमारे व्लॉग का मजा आया तो प्लीज उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाना। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज़।